हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ायर क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक मैथ की सीरीज चला रहे हैं जिसमें अनुपात समानुपात पढ़ा चुके हैं और प्रतिशत का वीडियो चल रहा है, जिसमें चार वीडियो आपको प्रतिशत में मिल चुके हैं। आज पांचवा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। 1.5 महीने एग्ज़ाम में बचे हुए हैं यूपी टेट के, और 2.5-3 महीने जो है सी टेट में बचे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गया और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए और वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। यानी क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालना है, कुल मत कितने थे, और कुल मत निकाल लेंगे तो वैध मत भी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, दो उम्मीदवार हैं, तो सपोज करिए कि आपका कुल वोट जो था वो एक्स था, कुल वोटों की संख्या एक्स है। तो आपका कह रहा है 20% वोट अवैध घोषित हो गया, तो जो वैध वोट हैं वो कितने होंगे, 80%। तो आप ये बताइए कि 80% कितना होता है। 80% को हम लोग 80/100 या 4/5 लिख सकते हैं। तो इसको 4/5 लिख लो, यानी जो वैध वोटों की संख्या हो जाएगी वो 4/5 हो जाएगा, किसका, एक्स का। अब क्या कह रहा है, जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जा रहा है। तो जीतने वाला अगर वैध मतों का 70% प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला कितना कर रहा होगा, 30%। तो 30% और ये 70%, तो इन दोनों का अंतर ही तो जो है जीत हार का अंतर होगा। यानी जो जीतने वाला 70% पा रहा है, हारने वाला 30% पा रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 40%। तो 40% जो है यही हमारा अंतर होगा 9600 वोटों का। तो 40% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 40% को 40/100 लिख सकते हैं और 40/100 को 2/5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2/5 से गुणा कर देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 9600 वोट जो है इतने अंतर से जीता है। अब इसको बस हमें सॉल्व कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये देखिए, 4 × 8 हुआ, 8 से 9600 को कटाइए तो 8 एकम में 8, 8 × 16 और 00, यानी x बराबर आ जाएगा 1200 गुड़े 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। तो इसका मतलब 25 × 12 = 300 होता है और 20 आप उतार दीजिए, यानी आपका टोटल जो x का वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 30,000। तो 30,000 जो x है ये क्या है, आपका कुल वोट है, कुल वोटों की संख्या आपकी है 30,000। तो फिर पूछ रहा है कुल वोटों, कुल मतों की संख्या ज्ञात कर ली है, अब वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वैध मत हम लोग कितना निकाले थे, 20% अवैध हो गया था, तो वैध मत कितने थे, 80%। यानी x का 80% आप निकाल लीजिए तो x का वैल्यू है 30,000। तो 30,000 का 80% यानी 4/5, तो ये आप निकाल लेंगे जब आप, तो आपका आ जाएगा 24,000 रुपये, 24,000 मत। ये जो मत होंगे वो कुल वैध मत होंगे, कुल वैध मतों की जो संख्या होगी वो 24,000 होगी। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, दो चीजें पूछा था, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो गया, तो बचे कितने, 80% वैध हो गए। तो 80% को हम लोगों ने क्या कर लिया है, अनुपात में हम लोग 4/5 कर लिए हैं, जिससे हमारा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो x का 4/5 निकाल लेंगे तो ये हमारे वैध मतों की संख्या हो जाएगी, और इसका फिर कह रहा है जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला 30% पाएगा। इसका मतलब जीतने वाला और हारने वाले का अंतर कितना है, 40%। तो 40% का अंतर जो दिया है आपका वो 9600 दिया है। तो 40% को हम लोग 2/5 लिख सकते हैं भिन्न में, तो उसको हम लोग 2/5 से गुणा कर दिए हैं तो ये 9600 के बराबर रख दिए हैं, और इसको इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लिए हैं, और यहाँ से x का 80% यानी वैध मतों की संख्या हम लोगों ने निकाल लिया है तो वो 24,000 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले,
जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 5600 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि कुल मत जो थे वो x थे, तो x मतों में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया x मत के लिए। अब इसमें जो है 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया, यानी वोटिंग ही नहीं किया, तो कितने प्रतिशत लोगों ने किया वोट, वो 80% लोगों ने वोट किया। तो 80% को हम लोग फिर से भिन्न में 4/5 लिख सकते हैं, यानी x का 4/5 ये हमारा आ गया वैध मत। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 12.5% मत अवैध निकले, अवैध निकले 12.5%, तो 12.5% को हम लोग लिखते हैं 1/8, तो 1/8 जो है अवैध निकला, तो वैध कितने निकले, वैध जो निकला वो हमारा 7/8 भाग होगा, तो इसका 7/8 भाग कर देंगे तो हमारा वैध मत निकलेगा। अब कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ होगा, 40%। तो अब दोनों का अंतर ले लीजिए, 60% और 40%, तो अंतर कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5, तो 20% यानी 1/5 हो जाएगा। तो कितने मतों से विजयी हुआ, वो 5600 मतों से विजयी हुआ। तो अब बस हमें सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, तो 7 से इसको कटाएंगे तो 7/56 800, 4 से इसको कटाएंगे तो 200 आ जाएगा, और क्या करेंगे, ये 5 एकम में 5 5 25 और 25 8 200, तो 200 × 200 कितना हो जाएगा, 40,000, 200 × 200 40,000 आ जाएगा। यानी आपका जो कुल मतों की संख्या है वो हमारा x था जो हम लोग लेट किए थे, और वो उसकी वैल्यू जो आ रही है वो 40,000 आ रही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 600 मत अवैध निकले, जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और वह 1500 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मत ज्ञात करिए। पिछला क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है कि 2600 यहाँ पे मत जो है अब वो अवैध निकले हैं, जबकि पिछले में प्रतिशत दिया था कि इतने प्रतिशत मत अवैध निकले हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे कि कुल वोट जो थे आपके, कुल मत थे वो x थे, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो 20% मत नहीं दिया इसका मतलब 1/5, तो वोट कितने लोगों ने दिया, वो 4/5 लोगों ने वोट दिया। अब कह रहा है 600 मत अवैध निकले, तो ये जो है आपका वैध मत है, इसमें से आप 600 माइनस कर देंगे तो ये आपका टोटल जो ब्रैकेट में आ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, वैध मत। अब जीतने वाले को वैध मत का 75% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को 25% प्राप्त हुआ होगा, तो 75 में से 25% घटा देंगे तो जो विजयी मतों का अंतर है वो हमें पता चल जाएगा, तो 75% माइनस 25% कितना हो जाएगा, 50%, और 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 1/2 लोग जो है इसका 1/2 वैल्यू हम लोग कर देंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1500 मतों के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग को सिंपली सॉल्व कर देना है, तो इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 3000 हो जाएगा, और 600 को इधर ले जाएंगे तो 600 हो जाएगा, यानी x का 4/5 करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा। अब इसको 4 से कटाएंगे तो ये 900 हो जाएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा 9 × 5 = 4500, यानी आपकी टोटल जो वैल्यू आगे कुल मतों की संख्या है वो 4500 होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, x मान लेना है कुल मत, तो 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो 80% लोगों ने मत दिया, इसका मतलब 4/5 लोगों ने मत दिया, तो 4/5 मत दिया, उसके बाद वैध मत थे, उसके बाद इसमें 600 मत अवैध निकल गए, तो 600 मत जो है आप माइनस कर दीजिए। अब इसको ब्रैकेट में कंप्लीट कर दीजिए, ब्रैकेट में उसके बाद फिर कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को 25% हुआ होगा, तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो वो 50% आएगा, और 50% का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका 1/2 कर देंगे तो 1/2 इसका जो वैल्यू आ जाएगा 1500 के बराबर रख के इक्वेट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपको ऑप्शन से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए आप लोग। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है एक चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आने से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो ये बताइए 16 रुपये में मान लीजिए कि वो x किलो चीनी खरीदता है, तो 16 रुपये में x किलो ओरिजिनल हो गया, लेकिन अब जब दाम में कमी आ रही है 2 रुपये के वजह से, तो ये 16 रुपये में कितना खरीद रहा है, 16 रुपये में x माइनस 2 की कीमत से खरीदेगा, क्योंकि दाम जो है अब घट गया है, तो दाम घटने की वजह से अब ज़्यादा चीनी खरीदेगा, तो कितना ज़्यादा चीनी खरीद रहा है, ये 4 किलो ज़्यादा चीनी खरीद रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 16 रुपये में x माइनस 2 के कीमत पे कितना किलो चीनी खरीदेगा माइनस 16 रुपये में x की दर से, यानी वास्तविक जो इसका मूल्य है वास्तविक मूल्य के दर से कितना चीनी खरीदेगा, तो इन दोनों का अंतर जो है यही दिया है हमारा 4 किलो के बराबर। तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि देखिए 3 तो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, 16 जो है 3 से कटेगा नहीं, ठीक है, 16 हमें दिख रहा है 4 से कटेगा, तो x की जगह अगर हम 4 रखते हैं तो ये आपका आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा x 4 माइनस 2 2, यानी 2 से कटाएंगे 16 को तो ये आएगा 8, यानी 8 माइनस ये 4 जो आ जाएगा आपका 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी ये वाला आंसर आपका सही होगा 4। देखिए आपको ऑप्शन से करना था, अगर ऑप्शन नहीं है तो इसको आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑप्शन होगा तो आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। तो 16 रुपये में मान लीजिए कि आपका ओरिजिनल मूल्य था वो x रुपये प्रति किलोग्राम था, तो x रुपये प्रति किलोग्राम में जो चीनी खरीदा होगा वो कुछ कम होगा, जबकि जब दाम में 2 रुपये की कमी आ गई है, तो 2 रुपये की कमी में दाम में इस वजह से 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, तो 16 रुपये में x माइनस 2 के रेट से 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। जब दोनों का जब हम अंतर लेंगे तभी ये 4 किलो चीनी का अंतर आ जाएगा, जिससे हम लोग का वैल्यू आ जाएगा ये, तो देख लेंगे हम लोग कि कौन सा वैल्यू जो हमको इस इक्वेशन में फिट बैठ रहा है, तो उसे हम लोग आंसर मार देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय अगर 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आय, बचत और खर्च पे क्वेश्चन है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, खर्च और प्लस बचत होता है, ये सब लोग जानते हैं, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो अब देखिए पहले केस में क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एक आदमी जो है उसकी आय आपका 100% है, आय उसका 100% है, तो आपका जो खर्च है इसमें 75% हो रहा है, खर्च 75% हो रहा है, तो इसका बचत कितना होगा, बाकी बच गया 25, 100 में से 75 घटा देंगे तो 25 इसका बचत हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, तो आय जो पहले 100 था तो अब 20% बढ़ा देंगे तो 20 बढ़ जाएगा, यानी 120 हो जाएगा, नया आय कितना हो जाएगा 120। और कह रहा है खर्च 10% बढ़ जाए, तो खर्च पहले 75 था तो इसका 10% कितना होगा, 7.5, तो 7.5 75 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 82.5, ठीक है। तो अब क्या होगा, बचत हमें निकालना है, बचत क्या करेंगे, आय में से खर्च को माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगा, यानी 120 में से 82.5 अगर हम माइनस करेंगे तो 37.5 आपका आ जाएगा बचत। तो आपका जो नया बचत है वो आपका 37.5 है, जबकि पुराना जो था आपका वो 25 था। तो अब कह रहा है कि बचत पर क्या फर्क पड़ेगा, तो बचत पर प्रतिशत प्रभाव निकाल लेंगे हम लोग, बचत पर प्रतिशत प्रभाव क्या होगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले 25 था, तो पहले 25 था
अब 37.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 25 से 37.5 कितना हुआ 12.5, और इसका परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग 100% से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब 12.5% को 25 से कटाएंगे तो ये आपका 1/2 आ जाएगा, और इंटू 100%, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50%। तो 50% की इसमें वृद्धि हो जाएगी इसके बचत में। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आय दिया था, खर्च दिया था, बचत दिया था, तो बचत हमें निकाल लेना है खुद से कि 100 अगर हम लोग आय मानते हैं तो 75 खर्च और 25 बचत। अब उसके बाद क्या होगा कि आपका कह रहा है कि आपका आय जो है वो 20% बढ़ गया, तो आय 20% बढ़ने का मतलब 100 था पहले तो अब 120 हो जाएगा, खर्च 10% बढ़ रहा है तो 75 का 10% 7.5 यानी 82.5 हो गया। तो आपका पूछ रहा है कि बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आय में से खर्च को माइनस कर दीजिए तो आपका बचत आ जाएगा, और ये बचत को जो है पहले वाले बचत से कंपेयर कर दीजिए और आप चेक कर लीजिए कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है या घट रहा है। तो चलिए ये था आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।